अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अमार। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी तो एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ बाबू सर टॉप की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको नारायण कान और बाबू सर टॉप के मौसम की सूरत हाल बताऊँगा, झील सफल मलूक और इसके अलावा बाबू सर टॉप का रोड ओपन हुआ है या नहीं, तो ये मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जी तो ये जो आप मनाजर देख रहे हैं ये जलखड़ के मनाजर हैं। सामने जो है टाइगर पीक आपको नज़र आ रही है जो कि अभी बर्फ़ से ढकी हुई है। ऊपर ऊपर पर बर्फ़ है और नीचे जो है ग्रीनरी आना शुरू हो गई है। और यह जो आप मनाजर देख रहे हैं ये लेक लुलुसर के मनाजर हैं और इसके साइड पर जो ग्लेशियर वगैरह है बर्फ़ है उनको काट कर बीच में से रास्ता बनाया हुआ है। ये आप चेक करें तो झील आपको अभी फ्रीज़ मिलेगी और अभी तक जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहती है और काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर्स वगैरह वो थे जो कि क्लियर कर दिए गए हैं। ये आप चेक करें अभी जो है लुलुसर लेक का रास्ता क्लियर हो गया और आगे गिरिदास तक जो है वो रोड पहुंच चुकी है और गिरिदास तक जो है हर किस्म की गाड़ी आप लेकर जा सकते हैं और उससे आगे बाबू सर टॉप का रास्ता तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर रहता है जो कि बिल्कुल थोड़ा सा फासला है और जल्दी ही ओपन हो जाएगा। ये आप चेक करें तो आपको झील लुलुसर और झील सफल मलूक की बात करूं तो वो भी आपको जो है फ़िलहाल फ्रीज़ मिलेगी, थोड़ी थोड़ी ओपन हुई है, मतलब कि थोड़ी पिघली है जहां पर जो है ये बोटिंग वगैरह हो रही है, लोग जो है कश्तियां चला रहे हैं। और तकरीबन इस जगह पर जो थोड़ी सी जगह है यहां पर तकरीबन 1000 रुपये चार्ज करते हैं यहाँ पर आपको बोट में बिठाते हैं। और जब लेक सेफन लोग बिल्कुल ओपन हो जाती है तो ये झील का पूरा चक्कर लगाने पर तकरीबन 4000 से 5000 चार्ज करते हैं। और फिलहाल जो है थोड़ा सा जो जगह है वो सही है और बाकी सारी पीछे वाली साइड जो है वो सारी फ्रीज है। ये आगे छोटी सी पट्टी जो है ये पानी नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। और ये चेक करें जी, जगह जगह पर आपको ग्लेशियर्स वगैरह देखने को मिलेंगे बाबू सर टॉप वाली रोड पर। और अभी 2 दिन से जो है बारिश हो रही है नारान में, तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी अच्छा मौसम है नारान में आजकल। और अगर आप गर्मी के सताए हुए हैं तो आप फौरन जो है नारान की तरफ चले जाएँ, काफ़ी ठंडा मौसम आपको मिलेगा। और अभी जो है बर्फ़ भी रहती है इस वजह से जो है सर्दी में थोड़ा इजाफा हुआ है इन बारिशों की वजह से, और जैसी अभी धूप होगी तो फिर से जो है गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। और बाबू सर टॉप रोड के मनाजर तो आजकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, सफ़ेद पहाड़ और नीचे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी और ऊपर चोटियां जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं अभी भी, और बाबू सर टॉप पर अभी भी बर्फ़ रहती है। यह आप चेक करें सामने वाले पहाड़ और गिरिदास मैदान में भी जो है वो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगी और धर्मसर और संबकसर झीलों वाला रास्ता भी है उस पर भी जो है बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगी और कुछ दिन में वो भी ओपन हो जाएंगे। और बाबू सर टॉप की बात करूँ तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता रहता है जो कि बहुत जल्द ओपन होने वाला, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का फासला है वो बाबू सर टॉप तक रहता है अभी। और अगले जो 24 घंटे इनमें कन्फर्म हो जाएगा कि कब बाबू सर टॉप ओपन होने वाला है और आगे कितने दिन लगेंगे, तो अंदाजे के मुताबिक यही है कि अगले 2 दिनों में 48 घंटों में जो है बाबू सर टॉप को खोल दिया जाएगा और आप लोग फिर से नारान से बाबू सर टॉप की तरफ जा सकेंगे। और 1-2 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं लेकिन 2-3 दिन जो है 2-3-4 दिन इससे ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा सा रास्ता है। अब 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है बाबू सर टॉप को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा और बाकी जो चिलास वाली साइड है वो तो काफ़ी दिन पहले ओपन हो गया था और इसी तरह झील सफल मलूक भी ओपन हो गई है और वहाँ पर काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जा रहे हैं अभी और काफ़ी रश देखने को मिल रहा है झील सफल मलूक पर भी।
और अभी जो है बाबूसर टॉप जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर भी रश देखने को मिलेगी। बाबूसर टॉप रोड के मनाजर हैं आजकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। जगह जगह से आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे और ग्लेशियर्स में से चश्मे और साफ पानी आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। और ये आप चेक करें, यहाँ पर लोगों ने जो है ग्लेशियर्स में अपना कुछ ठंडी बोतलें वगैरह इस तरह वो ला कर रखी हुई और इनको जो है वो सेल करते हैं। तो ये अभी आप चेक करें, यहाँ पर जो है काम लगा हुआ है, बाबूसर टॉप के बिल्कुल करीब है अभी मशीनें लगी हुई हैं और 2 दिन के या 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये ओपन हो जाएगा बाबूसर टॉप का रास्ता। उसके बाद जो है आप फिर से बाबूसर टॉप की तरफ जा सकेंगे। जी तो इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।